हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माय पाठशाला रेलवे एग्जाम में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है बहुत ही निकट आ चुका है, तो आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही विशेष चीज लेकर आए हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश। जैसे कि आपको पता है कि जीएस का जो सिलेबस है उसमें अलग से ये टॉपिक लिखा रहता है, तो उस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत का मैप लगा हुआ है और उसके पड़ोसी देशों को मैंने अलग अलग रंगों से बनाया हुआ है। तो जल्दी से एक बार इसके पड़ोसी देशों को बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद ये है आपका चीन, ये है आपका नेपाल और ये है भूटान, ये है बांग्लादेश। और ये है आपका म्यांमार, ठीक है। और अंत में अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है श्रीलंका का, और नीचे आता है आपका मालदीव जो कि इस मैप में नहीं दिख रहा। तो ये हैं आपके सारे के सारे पड़ोसी देश। तो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है। तो आपका आंसर आना चाहिए सबसे ज्यादा सीमा, तो आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। और सबसे कम आंसर है अफगानिस्तान, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया, अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान कहां पर है, ये अफगानिस्तान, ये वाला हिस्सा जो है ये अफगानिस्तान का है, ठीक है। पर आप लोगों को ये पता होगा कि केवल यही सवाल नहीं आता है, सवाल आपके पेपर में जो आता है वो आता है कि इन दोनों देशों को छोड़कर बताइए सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, तो देखिए जरा इस ट्रिक को। ये जो ट्रिक है ये कुछ इस तरीके से काम करती है, बीसी पीएन एमबी ए। तो ये जो बीसी पीएन एमबीए है ये है आपकी ट्रिक। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक बस इतना कह रही है कि आपको बस ये लाइन लिखनी है और आपको सारे के सारे पड़ोसी देश याद हो गए और क्रमशः याद हो गए। कैसे, देखिए ध्यान से, बी से हुआ आपका बांग्लादेश, बी से हुआ बांग्लादेश, ठीक है। सी से हुआ आपका चाइना, पी से हुआ पाकिस्तान, एन से हुआ नेपाल, एम से हुआ म्यांमार, बी से हुआ भूटान और ए से हुआ अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा से लेके सबसे अंत तक हम लोगों ने ये सारे के सारे राज्यों को देख लिया। अब ध्यान समझिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, याद कैसे करना है, बीसी जो आप लोग करते हैं, पीएन जो आप लोग करना चाहते हैं और एमबीए बहुत से बच्चे करते हैं और बहुत से डिग्री और ग्रेजुएशन जो है वो भी आपका एमबीए से संबंधित है। तो बीसी पीएन एमबीए और आपके सारे के सारे जो दिक्कतें हैं पड़ोसी राज्यों से लेकर वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो है भारत जो है, अगर देखा जाए भारत के बिल्कुल मध्य से निकलती है कर्क रेखा, भारत के मध्य से निकलती है कर्क रेखा। तो देखिए ध्यान से, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से निकलती है, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। मध्य से निकलती है, ठीक है, और ये कौन कौन से राज्य हैं जहां से ये निकलती है, तो याद रखिएगा भारत के मध्य से निकलती है और कुल 8 राज्यों से निकलती है,
तो फिर से हमारे क्वेश्चन आता है कि सर ये 8 राज्य कैसे याद करें, जल्दी से बता दीजिए सर, इसके लिए भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ भाई, इसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, एक लाइन और आपका सारा टेंशन खत्म। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक पहले समझने से पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा निकलती है। तो ये है आपका गुजरात, गुजरात, ठीक है, ये है आपका राजस्थान, ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका झारखंड, ये है आपका झारखंड, ये है आपका बंगाल, ठीक है, ये है आपका त्रिपुरा और ये है आपका मिजोरम, ठीक है, ये है आपका मिजोरम। तो ट्रिक आपकी बन के सामने है, क्या है आप ट्रिक देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही इजी भी ट्रिक है। ट्रिक है गरम चीज बदतमीज, ठीक है, बस हो गई ट्रिक आपकी कंप्लीट। और देखिए ये ट्रिक क्या कह रही है, ये ट्रिक कह रही है गा से हो गया आपका गुजरात, रा से हो गया आपका राजस्थान, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, बा से हो गया बंगाल, त्रा से हो गया त्रिपुरा और मणिपुर और मिजोरम में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मीज से मिजोरम होगा, मीज से कभी मणिपुर नहीं हो सकता, मीज से मिजोरम ही हो सकता है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए और इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके 8 राज्य याद हो गए, आपके जितने पड़ोसी देश हैं वो याद हो गए और किस क्रम से लगे हुए हैं वो भी याद हो गए। तो पश्चिम से पूरब की ओर जितने भी राज्य भारत के लगे हैं जिसपे ऊपर कर्क रेखा निकलती है वो कितने हैं, वो हैं 8 और उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने बता दी। आया समझ में आप लोगों को? तो इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगर आपका प्यार मिलता है तो। तब तक के लिए जय हिंद।